हेलो दोस्तों, मैं महेश पौरवाल एक बार फिर से मैथपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों, हम कल पूरा कोर डेटा कंप्लीट कर लिया था, आज उसका आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमने उसके दो प्रकार देखे थे, कोर डेटा एंड नॉन कोर डेटा, तो आज करेंगे नॉन कोर डेटा। कोर डेटा हमने कल कंप्लीट कर लिया था, नॉन कोर डेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं अकशेरुकीय। अकशेरुकीय प्राणी, ठीक है दोस्तों। नॉन कोर डेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकशेरुकीय प्राणी। इसको भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से? प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, इनका हिंदी में कुछ नाम नहीं है, इनका यही है हिंदी में नाम, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। ये किस प्रकार का होता है? यहाँ यूनिसेलुलर होता है इसके करेक्टर, या यूनिसेलुलर होता है, एंड ये मल्टी सेलुलर होता है। किस प्रकार का? मल्टी सेलुलर, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय प्राणी। यूनिसेलुलर क्या होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय प्राणी, ठीक है दोस्तों। अब बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। अब फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम बहुत सारे फाइलम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत कौन कौन से फाइलम आते हैं? करते हैं प्रोटोजोआ से स्टार्ट, इसको बाद में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, तो फाइलम पहले हेडिंग डालिए आप, फाइलम प्रोटोजोआ। हेडिंग डालिए नंबर एक पे, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। पहला फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसका हिंदी में अलग से कोई नाम नहीं है। इसके करेक्टर है यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। किस प्रकार का? यहाँ एक कोशिकीय होता है, ठीक है, एंड जलीय होता है, एक्वेटिक होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलीय, एंड और किस प्रकार का होता है? यहाँ मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एंड सॉरी यहाँ मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, यहाँ मल्टी सेलुलर होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे? मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। बहुकोशिकीय क्या होता है? जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम। हिंदी में अलग से कोई नाम नहीं है इनका, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। क्या होता है? पैरासाइट्स।
इसका हिंदी बोलता है परजीवी। कुछ जीव परजीवी भी होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और पैरासाइट्स। कुछ जन तो ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट्स भी होते हैं, जो अपने रहने और जो न्यूट्रिशन के लिए अपने दूसरों पर निर्भर रहते हैं और रहते भी उसी पर है और अपना पोषण भी उसी से प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। अब अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड पैरासाइट्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। अमीबा, ये इसका जो आकार होता है एक अलग अलग प्रकार का होता है, एक जैसा कभी नहीं होता, कभी इस टाइप से होता है तो कभी इस टाइप से होता है। आपको यहाँ पे इमेजेस उसकी शो हो रही होगी, देखो अमीबा, युगलिना एंड पैरामीशियम की इमेजेस शो हो रहेगी यहाँ पे, देखो आप देख रहे ना कि अमीबा का आकार किस प्रकार से होता है, युगलिना के किस टाइप से होता है और पैरामीशियम का चपलाकार दिख रहा होगा आपको इस टाइप से, जो हमें स्लीपर होती है इस प्रकार से उसका आकार दिख रहा होगा पैरामीशियम का, ठीक है। चलो ठीक है, अब युगलिना के बारे में मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था कि युगलिना क्या है। युगलिना यह हमारे पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी, इसको कहा जाता है युगलिना को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंतु और पादप दोनों के करेक्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जंतु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है आसान से, और पादप का क्या करेक्टर है इसके अंतर्गत, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके द्वारा यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसके बारे में ठीक है। आया शर्मा, पैरामीशियम क्या होता है, यहाँ चपलाकार होता है, इसको स्लीपर सेल कहा जाता है, स्लीपर एनिमल, क्या कहा जाता है दोस्तों, स्लीपर एनिमल। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूछा जाता है कि स्लीपर एनिमल को किसके किसे किसे कहा जाता है, तो हम पैरामीशियम को। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लाज्मोडियम इससे द्वारा हमें जो मलेरिया जो डिसीज होती है वो प्लाज्मोडियम के जिस इससे ही होते हैं, हमारे जो मलेरिया जो डिसीज होती है इसी के कारण होती है हमारी मलेरिया डिसीज। और इसका वाहक कौन होता है, किसके द्वारा फैलती है, तो यहाँ फैलती है मादा एनाफिलीस मच्छर, मादा एनाफिलीस मच्छर, यहाँ मादा एनाफिलीस मच्छर के द्वारा यहाँ फैलता है इसका ये वाहक होता है मलेरिया डिसीज का, ठीक है। और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं इसमें, फाइलम प्रोटोजोआ में कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, उनके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से पैरासाइट्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। अब नाम तो ऐसे ऐसे रख रखे हैं कि हमारे जो मुंह हमारे जीवन को हमारे मुँह को लकवा मार जाए, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, बट क्या करें याद तो करना पड़ेगा, जिसने भी रखा है वो मेरे सामने आ जाए तो क्या बताऊँ, याद तो करना पड़ेगा। कुछ अच्छे नाम रख देते पप्पू वगैरह तो कुछ याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती, क्या करें अब याद तो करना पड़ेगा। तो क्या है जो पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या नाम दोस्तों, एंटा अमीबा हिस्टो लिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। यह हमारी छोटी आंत में पाया जाता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके द्वारा पायरिया नामक डिसीज होती है। क्या कौन सी डिसीज होती है दोस्तों, पायरिया, जिसके कारण हमको वॉमिटिंग होती है, उल्टी और दस्त हो जाती है और जिसके साथ हाँ ब्लड की भी ब्लड भी निकलता है, एंटा अमीबा हिस्टो लिटिका याद रखना। और दूसरा है ट्रिपेना सोमा, ठीक है। इसके द्वारा कौन सी डिसीज होती है,
स्लीपिंग सिकनेस इसके द्वारा होती है। कौन सी होती है? स्लीपिंग सिकनेस इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। आया ना दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको? हम पढ़ रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर कौन कौन से हैं? यहाँ जलीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने इसको इनके सभी इमेजेस को आपको यहाँ पे दिखा गया कि किस टाइप से यहाँ दिखते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड पैरासाइट से परजीवी। अमीबा जिसका आकार एक जैसा नहीं होता, अमीबा युगलिना पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है युगलिना को। पैरामीशियम इसको स्निपर एनिमल भी कहा जाता है, याद रखना। प्लाज्मोडियम इसके कारण हमारा मलेरिया डिसीज होती है, प्लाज्मोडियम के कारण। और जो पैरासाइट्स होते हैं एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका जो हमारे छोटे हाथ में पाया जाता है, इसके द्वारा पायरिया नामक डिसीज होती है जिसके कारण हमें वॉमिटिंग और दस्त लग जाती है जिसके साथ ब्लड भी निकलता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपनोसोमा इसके कारण स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों। आया यहाँ तक समझ में? अब पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा। कौन सा फाइलम? फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा जो हमने पहला फाइलम पढ़ा था फाइलम प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता था। यहाँ से लग गया हमारा नंबर दूसरा फाइलम प्रोटोजोआ जो मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से उसमें सिर्फ एक ही था फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। पोरी का मतलब होता है छिद्र। पोरिफेरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोरी का मतलब होता है छिद्र, छिद्र। और फेरा का मतलब होता है धारण करने वाले, धारण करने वाले। इसका मतलब क्या होगा? जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वही जंतु इसके अंतर्गत आते हैं जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्पंज का डायग्राम बना रहा हूँ, स्पंज, जैसे स्पंज हुआ, ये स्पंज हुआ, ये छोटे छोटे इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, यह नीचे डिस्क से अटैच है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके शरीर में इस टाइप से। इसमें जो जल होता है आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है जल को और आसानी से ही बाहर निकल जाता है स्पंज की तरह। जैसा हमने देखा हुआ स्पंज को जैसे हम थोड़ा सा टच करते हैं तो उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको उस पर प्रेशर डालते हैं तो उससे पानी आसानी से बाहर निकल जाता है स्पंज, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्पंज ऑफ एनिमल किंगडम। स्पंजेस मार्कर नहीं चल रहा सर, स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु जगत का स्पंज। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फाइलम के जंतु को जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है, तो कौन सा फाइलम? फाइलम पोरिफेरा। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? कौन से जंतु के शरीर में छोटे छोटे से, किस फाइलम के जंतुओं में छोटे जिनके शरीर पर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, तो फाइलम कौन सा? फाइलम पोरिफेरा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन
जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है इसको हिंदी बोलते हैं प्रजनन। यह किस प्रकार से होती है? तो असेक्सुअल, अलैंगिक प्रकार के इसमें, अलैंगिक प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन प्रजनन पाया जाता है। अलैंगिक असेक्सुअल किसे बोलते हैं हम? जिनको प्रजनन करने के लिए पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती उनको इसके अंतर्गत हम रखते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके? फाइलम पोरिफेरा के, पहला याद रखना साइकोन, साइकोन आपको इसका डायग्राम इमेजेस शो हो रहे होगी, यहाँ पे देखो साइकोन के इमेजेस दिख रहे हैं ना किस टाइप से होता है साइकोन। एंड सेकंड हाइलोनेमा, सेकंड कौन सा? हाइलोनेमा, हाइलोनेमा इसकी इमेजेस यहाँ पे शो हो रही होगी आपको, देखो हाइलोनेमा की, ठीक है। इस टाइप से दिख रहा होगा कि इस टाइप से लंबे लंबे आपको दिख रहे होंगे इस टाइप से, जिनको पानी इसमें आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है और आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है, ठीक है। हाइलोनेमा की इमेजेस शो हो गई आपको। अब अगला फाइलम है फाइलम निडेरिया, कौन सा फाइलम? थर्ड नंबर पर डालना फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया। यह सी यहां पे साइलेंट है याद रखना निडेरिया में, इसका एक और नाम है निडेरिया का, निडेरिया को हिंदी में इस प्रकार से लिख लेना निडेरिया। इसका एक और नाम है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। बट एग्जाम में अभी तक जितना भी पूछा जाता है निडेरिया के नाम से ही हमसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं फाइलम, यहाँ इसके करेक्टर कौन कौन से हो जाते हैं? यहाँ भी जलीय होता है, एक्वेटिक होता है, जलीय होता है, ठीक है। यहाँ भी जलीय होता है, इसमें न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? तो कॉर्निवोरस। न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? कॉर्निवोरस प्रकार का इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। इसको जो जीव होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन मांसाहारी प्रकार का होता है। एग्जाम्पल की बात करें इसके फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया, इसके एग्जाम्पल तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ से हाइड्रा, हाइड्रा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हाइड्रा किस फाइलम से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? फाइलम निडेरिया। हाइड्रा के इमेजेस यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, दो किस टाइप से होता है हाइड्रा दिख रहे हैं दोस्तों हाइड्रा किस? सेकेंड नंबर पर आता है ओबेलिया, 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 ओबेलिया की इमेजेस तो वही होगी, देखो ओबेलिया किस टाइप से दिखता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आता है पोरपिटा, पोरपिटा, देखो पोरपिटा की इमेजेस तो वही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आया समझ यहाँ तक हम कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? फाइलम निडेरिया, अधिकतर जलीय समुद्री होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इसमें जो हमारा न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है? कॉर्निवोरस मांसभक्षी प्रकार का, मांसाहारी प्रकार का होता है। एग्जांपल हमने देखे हाइड्रा, ओबेलिया एंड पोरपिटा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का फाइलम, फाइलम टिनोफोरा,
फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइलम टिनोफोरा के बारे में। यह समुद्री प्राणी होते हैं, सभी समुद्री समुद्री प्राणी होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का जो इनका शरीर होता है किस टाइप का होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट प्रकार का इनका शरीर होता है। किस टाइप का? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रकार का। पारदर्शी प्रकार का इनका शरीर होता है। पारदर्शी क्या होता है? जिसको हम आर पार देख सकते हैं उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से बात करें तो इसका एग्जांपल है जेलीफिश। जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश का इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। देखो जेलीफिश किस टाइप से दिखती है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा फाइलम सेलेनोफोरा या सभी समुद्री होते हैं, जो इनका शरीर होता है पारदर्शी होता है, और एग्जांपल जेली फिश। एग्जाम में हमसे और कुछ नहीं पूछेगा, पूछता है हमारे इनके एग्जांपल कि जेली फिश किस फाइलम से संबंधित है। हमको जैसे ऑप्शन देगा सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एनिलिडा, तो हमारा आंसर क्या होगा? फाइलम टिनोफोरा से संबंधित रखती है जेली फिश। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस। कौन सा फाइलम? फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस। नाम भी ऐसे ऐसे रखे यार, पर क्या करें, याद तो करने पड़ेंगे हमको भी, क्योंकि उनके नाम में ही उनका जो शब्द छुपा है, इसलिए उनका नाम भी ऐसे रखे हैं प्लेटिहेलमिंथेस। जैसे मैं बताऊंगा प्लेटिहेलमिंथेस इसका नाम क्यों रखा, प्लेटिहेलमिंथेस, प्लेटिहेलमिंथेस, प्लेटिहेलमिंथेस। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं प्लेटिहेलमिंथेस, इस टाइप से लिख लेना प्लेटिहेलमिंथेस। ठीक है, नाम इतने बड़े बड़े हैं क्या करें, प्लेटिहेलमिंथेस। अब प्लेट का मतलब वो क्या होता है, हमारे प्लेट किस टाइप से होती है, चपटी प्रकार की होती है ना, चपटी होती है। प्लेट का मतलब होता है चपटा, वो हेलमिंथेस का मतलब होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, वॉर्म, इसको बोलते हैं क्रमी। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, चपटा क्रमी। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चपटा क्रमी किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, कौन सा फाइलम होता है जिसको चपटा क्रमी भी कहा जाता है, तो हमारा फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रजनन, प्रजनन किस प्रकार का होता है, इसमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार का, इसमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, लैंगिक लैंगिक एंड तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन प्रजनन पाया जाता है। यहाँ द्विलिंगी होते हैं, अगला करेक्टर क्या है इसमें, यहाँ द्विलिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी
द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ये हो गई जिसमें नर जनन एंड मादा जनन अंग एक ही उसमें उपस्थित होते हैं। ये नर के नर जनन अंग हो गया और ये मादा जनन अंग हो गया, एक जीव पर रहते हैं उसको बोलते हैं हम द्विलिंगी। ठीक है, आया समझ में आता। अब इसके एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल कौन कौन से जीव आते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं तो पहला आएगा टीनिया। कौन सा आएगा दोस्तों, टीनिया। टीनिया, टीनिया को एक नाम और है इसका, क्या नाम, फ्लैट वॉर्म। कौन सा, फिटा क्रमी, इसको फिटा क्रमी भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमको, ये ऑप्शन दे देगा कि निम्न से कौन सा पिटाक्रमी जंतु है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टीनिया को पिटाक्रमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट तो एग्जांपल है इसका फेजियोला, फेजियोला। ठीक है, इसको बोला जाता है लीवर हुक वॉर्म। क्या बोला जाता है, लीवर हुक वॉर्म। इसको लीवर हुक वॉर्म क्यों बोला जाता है, यह हमारे लीवर पर अटैक करता है डायरेक्टली, इसलिए इसको लीवर हुक वॉर्म भी कहा जाता है। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको, कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं हम, फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, जिसे हम चपटा क्रम जिसमें जो जीव आते हैं जो जंतु आते हैं वहाँ चपटे प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको चपटाक्रमी कहा जाता है। इसमें प्रजनन रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जांपल की हमने बात की टीनिया एंड फेजियोला। आपको टीनिया और फेजियोला का यहाँ पे इमेजेस शो हो रहा होगा, देखो दिख रहा आपको टीनिया, उसके बाद में फेजियोला का भी दिख रहा होगा, देखो दोस्तों। ठीक है, आया सन में। अब अगला फाइलम है निमेटोडा। कौन सा फाइलम, निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा, इसका अन्य नाम एक और है एस्प्लेहेलमिंथेस। क्या नाम दोस्तों, इसको हिंदी में लिख लीजिए निमेटोडा, निमेटोडा। इसका अन्य नाम कौन सा है, एस्प्लेहेलमिंथेस, एस्प्लेहेलमिंथेस, एस्प्लेहेलमिंथेस इसका अन्य नाम है। हम नाम तो हमको याद करना पड़ेगा, क्या करें, इतने बड़े बड़े नाम हैं, पता नहीं किसने रखे हैं इतने बड़े बड़े नाम। एस्प्लेहेलमिंथेस, एस्प्लेहेलमिंथेस नेमेटोडा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ गोल क्रमी होते हैं, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म होते हैं यहाँ पे, गोल क्रमी जैसा बोला जाता है। गोल क्रमी, ठीक है। इसमें इसमें भी किस प्रकार का होता है, जैसा हमने अभी देखा था प्लैटीहेलमिंथेस में, उसमें द्विलिंगी होता है, इसमें भी द्विलिंगी होता है, बट इसमें जो जनन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार से मैंने वहाँ बताया था आपको, यहाँ पर नर होगा तो मादा का जनन अंग अलग अलग यहाँ पे द्विलिंगी होते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी बोलते हैं हम प्रजनन,
जिसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल सेक्सुअल प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आ रहा है दोस्तों समय, आई होप आपको समय आ रहा होगा, काफी आराम से पढ़ा रहा हूँ आज। कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं हम? फाइलम निमेटोडा, जिसका अन्य नाम है एस्प्ले हेलमेंथिस। क्या नाम? एस्प्ले हेलमेंथिस। यहाँ पे ये गोल प्रेमी होते हैं, इस जो जंतु होते हैं थोड़े गोल होते हैं, गोल प्रकार के होते हैं इसमें जंतु, और द्विलिंगी होते हैं जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। इसमें प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो सेक्सुअल, सेक्सुअल को इनमें बोलते हैं, लैंगिक प्रकार का इनमें सेक्सुअल पाया जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि सेक्सुअल लैंगिक जनन किसे कहा जाता है? जिनको प्रजनन करने के लिए पार्टनर की आवश्यकता होती है उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कौन कौन से इसके? एस्केरिस। क्या? एस्केरिस आपको यहाँ पे उसकी इमेजेस तो होगी, देखो एस्केरिस की, मैं हिंदी में लिख देता हूँ किस प्रकार से लिखते हैं, एस्केरिस। ठीक है, देखा दोस्तों आपने एस्केरिस किस प्रकार से दिखाई देता है। उसके बाद में है वाउचेरिया, इसके एग्जांपल हो गए हैं। वाउचेरिया के इमेजेस दिख रही होगी आपको, ठीक है। वाउचेरिया, इसके द्वारा एक डिसीज होती है जिसे हाथी पांव बीमारी कहा जाता है। हाथी पांव बीमारी हाथी पांव बीमारी क्यों बोलते हैं इसको? जब ये डिसीज होती है तो जो हमारा पैर होता है हाथी के समान, हाथी के जैसा मोटा हो जाता है एकदम, इसलिए इसे हाथी पांव बीमारी कहते हैं। आया दोस्तों समय आता आपको, अब है फाइलम एनिलिडा। हेडिंग डालिए फाइलम एनिलिडा, सेवंथ नंबर का, ये सिक्स नंबर था हमारा फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम एनिलिडा कौन सा नंबर है? सेवंथ नंबर का फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा की बात करें तो इनका जो शरीर होता है वह खंडित प्रकार का होता है, जिस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कौन से जैसे जंतु हो गया, ठीक है, इस प्रकार से इसमें खंडित दिखाई देंगे। खंडित होता है इनका शरीर, इस प्रकार से इसमें खंडित दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल बात करें मैं, कौन सा? अर्थवर्म जैसे हिंदी में बोलते हैं केचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो हमारी मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। अर्थवर्म के यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही होगी, दिख रहा ना इस टाइप से, उसके शरीर में ऐसे खंडे दिख रहे होंगे आपको अर्थवर्म के, ठीक है। दूसरा है लीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोक बोलते हैं लीच को हिंदी में, दिख रहे होंगे आपको लीच की इमेजेस, दिख रहा है उसके शरीर पे भी इस टाइप से ही खंड पाए जा रहे हैं, ठीक है, खंडी कृति का इनका शरीर होता है, खंडीय इसका करैक्टर है, खंडी कृति इसका शरीर होता है, खंडी कृति का। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा, काफी आया होगा। अब दो फाइलम और बचे हमारे, उनको अगली क्लास में करेंगे, आज का टाइम हो या है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिसने भी अभी तक 1-6 तक अभी तक क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देखें, उसके बाद यहाँ देखें 7th नंबर की एक क्लास है, डेली अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आइए देखिए। ठीक है दोस्तों।